हाय गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर में हम लोग लाप्लाशियन के बारे में स्टडी करेंगे। लाप्लाशियन एक फैक्टर होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक संकारक होता है। वो क्या संकारक होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लाप्लाशियन हमने पहले ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी, है ना। तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का जब हमने स्टडी किया था, तो हमने बोला था कि जब ग्रेडियंट किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रेडियंट हम लोग स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं, अदिश राशि का कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग जनरली फाई से लिख देते हैं ना। तो जैसे फाई है, उसका ग्रेडियंट अगर ले लें हम लोग, और ये जो ग्रेडियंट आया है इसका अगर डाइवर्जेंस ले लें, तो ये जो मिलता है इसको बोलते हैं लाप्लाशियन। ये लाप्लाशियन मिल गया फाई का, किसका? फाई का लाप्लाशियन मिल गया। आई बात समझ में? तो लाप्लाशियन ऑफ फाई जो मिला अपने को, लाप्लाशियन, तो डाइवर्जेंस को हम लोग लिखते हैं डेल वेक्टर, ग्रेडियंट को भी हम लोग लिखते हैं डेल वेक्टर फाई, ठीक है। ये फाइनली जाके ऐसे मिल जाता है डेल स्क्वायर फाई, ये हो जाता है लाप्लाशियन। हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, लाप्लाशियन ऑफ फाई, ये होता है लाप्लाशियन। तो किसी भी अदिश राशि का ग्रेडियंट लेके उसका डाइवर्जेंस लेते तो लाप्लाशियन मिल जाता। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लाप्लाशियन कहलाता है। किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लाप्लाशियन कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में, the divergence of gradient of a scalar field is known as Laplacian, ठीक है। ये छाप लो, ये जो भी लिखा हुआ पोज करके ये छाप लो। आगे चले, चलिए देखो, डेल वेक्टर जो होता है, डेल इसको हम लोग लिखते हैं आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। डेल यहाँ पे डबल डेल है, इसका मतलब डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर का मतलब हो गया डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, और इसका मतलब हो गया आई केप डेल बाय डेल एक्स आई केप सॉरी प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड डॉट आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, ऐसा आ गया, ठीक है। ये डेल स्क्वायर का वैल्यू मिलता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो आई आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, जे जे वाले के साथ, के वाले के साथ, आई आई वाले के साथ जाएगा, तो डेल स्क्वायर बाय डेल डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर आई आई वाले के साथ, जे जे वाले के साथ और जेड वाला जेड वाले के साथ में मिलके ये दे रहा है, ये हो गया डेल स्क्वायर, ठीक है। तो लाप्लाशियन, ये डेल स्क्वायर का वैल्यू यहां पे लिख दूं तो क्या आ जाएगा लाप्लाशियन, अतः लाप्लाशियन ऑफ फाई क्या आएगा, डेल स्क्वायर का वैल्यू ये लिख दूं, डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर और आ गया फाई। तो ये लाप्लाशियन मिल गया अपने को,
लाप्लाशियन, इंग्लिश वाले लाप्लाशियन को इंग्लिश में लिखते रहे ना, ये मिल गया अपने को डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर, ये मिल गया लाप्लाशियन ऑफ फाई, फाई का लाप्लाशियन मिल गया। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ये लाप्लाशियन मिल गया, ये लाप्लाशियन का डेफिनेशन वगैरह पूछा जाए तो ये लिखना है आपको, ये यहाँ तक जो लिखवाया ना डेफिनेशन लिख के ये इतना कहानी लिखना है। ठीक है, चलो अब एक दूसरी चीज़ के बारे में, ये पॉज करके ये कॉपी कर लेना, आगे इससे रिलेटेड हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल लाप्लाशियन हो गया, किसी के लिए भी हो सकता है, ये फाई कुछ भी हो सकता है, फाई एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई कुछ भी हो सकता है। अगर फाई वोल्टेज हो तो, विभव हो, फाई अगर पोटेंशियल आ जाए, विभव आ जाए, तो किस तरीके से क्या होगा? देखो, विद्युत विभव के लिए लाप्लाशियन, के लिए लाप्लाशियन, लाप्लाशियन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लाप्लाशियन। ठीक है, तो विद्युत विभव के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लाप्लाशियन कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आएगा लाप्लाशियन, लाप्लाशियन ऑफ फाई, और ये क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई होता है, तो फाई की जगह क्या है, फाई की जगह है वी, इसको लिख रहा हूँ विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये ऐसे आएगा लाप्लाशियन ऑफ वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, फाई मतलब वी। ठीक है, ये मिलेगा अपने को लाप्लाशियन वी के लिए। अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें कुछ बातें करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, किसका, विद्युत, जो गॉस नियम था, गॉस लॉ, उसका एक हमने अवकल रूप देखा था, उसका एक डिफरेंशियल फॉर्म देखा था। तो देखो, गॉस नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ देखो कैसे आएगा। ऐसा था वो, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू था रो अपॉन एप्सिलॉन, ये था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आगे इस चीज को समझना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने ऐसे लिखा था माइनस डेल वेक्टर वी, ये भी एक फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, विभव और विद्युत क्षेत्र में ये रिलेशन होता है, डेल वी बाई डेल आर होता है, जिसको मैं हम लोग डेल वी लिखा था, ये हमने न्यूमेरिकल में भी किया था उस लास्ट चैप्टर में, तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये ई को लिख दूँ यहाँ से, तो इसको कर दो 3, तो बाय 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, देखो क्या आएगा, डेल वेक्टर डॉट इसकी जगह आ जाएगा माइनस डेल वेक्टर वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इस नेगेटिव को तो मैं बाहर ले लूँगा, बाहर से वो उधर चला जाएगा और ये बच जाएगा डेल स्क्वायर वी, और नेगेटिव चला गया उधर, रो अपॉन एप्सिलॉन। आई बात समझ? तो ये मिल गया अपने को डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन।
ये है, इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, ये है पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन समीकरण भी बोलते हैं इसको, डबल एस आता है आई थिंक, ये पॉइसन समीकरण, पॉइसन समीकरण या पोइसो समीकरण भी बोलते हैं कई बार इसको, ये है पॉइसन समीकरण। तो कई बार ऐसे भी बोला जाता है लाप्लाशियन क्या है, उसकी हेल्प से पॉइसन समीकरण और लाप्लाशियन समीकरण निकालो, तो पॉइसन समीकरण तो आ गया ये, आई बात समझ, ये पॉइसन समीकरण आ गया। सिंपल, ये कुछ नहीं है, ये अवकल रूप होता है उसका, गॉस नियम का डिफरेंशियल फॉर्म होता है, और ये ई और वी के बीच में सिंपल रिलेशन होता है, ये यहां से पुट किया, तो ये डेल स्क्वायर वी क्या एक्चुअल में लाप्लाशियन है, ये डेल स्क्वायर वी क्या लाप्लाशियन ही तो है, तो ये लाप्लाशियन इसका वैल्यू ये आ गया एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चले। देखिए इसमें ऐसा है, इफ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, इफ चार्ज डेंसिटी रो, जो कि रो है वो जीरो हो जाए, अगर आवेश घनत्व जीरो हो जाए, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर वी क्या होगा, जीरो आ जाएगा, इसको बोलते हैं लाप्लास समीकरण। ये तो पॉइसन समीकरण आ गया, ये लाप्लास समीकरण है, लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन। तो जब इस तरीके से पूछा जाता है कि पॉइसन सॉरी लाप्लासियन क्या है, व्हाट इज लाप्लासियन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाप्लासियन एंड पॉइसन विद द हेल्प ऑफ लाप्लासियन, तो लाप्लास की सहायता से पॉइसन और लाप्लास समीकरण निकालो, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसी टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसी का हेल्प से बोला जाता है कई बार, क्या है ये, यहाँ तक छाप लेना, उसके बाद में करते हैं हम लोग, हो जाएगा ये, आगे चलते हैं। ऐसा है, दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेटें हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में हमारे को विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो चालक प्लेटें हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, जैसे मान लो दो प्लेट है ऐसे, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो, या आप ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, और इस तरीके से हाइट वाइज है, ये दो प्लेटें हैं पैरेलल प्लेट से, समांतर प्लेटें हैं ना, इन समांतर प्लेटों पे जैसे मान लो कि इस पर विभव का मान, इस पर विभव का मान है फाई वन और इस पर विभव का मान है फाई टू, ये हाइट की बात करूं तो ये तो नीचे है, जेड बराबर जीरो पे है, इसकी हाइट कितनी है, जेड इक्वल टू जीरो हाइट पर है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे मान लो जेड इक्वल टू कोई डी हाइट पे है, ये डी पॉइंट है, तो जेड इक्वल टू डी है। ठीक है, तो दो प्लेटें, इनके बीच में हमारे को विभव और विद्युत क्षेत्र, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक तरीके से, अब वो कैसे करते हैं, चालू करें, तो विभव एवं विद्युत क्षेत्र दो समांतर प्लेटों के मध्य पोटेंशियल
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, विभव का मान यहां पे मान लो फाइव वन फाइव टू नहीं मान के हम लोग जनरली वी वन ले सकते हैं। यहां पे पोटेंशियल वी वन है, यहां पे पोटेंशियल कितना है वी टू है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये सिस्टम है, इसमें दोनों प्लेटों के बीच में हमारे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मैं मान लो कि ये बता दूं जेड इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर पर, तीन सेंटीमीटर ऊंचाई पर विभव निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करें वो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं हम लोग, वो थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये हेडिंग लिख लो और इस हेडिंग के अंदर कुछ लिखो, लिखो माना माना दो समांतर प्लेटें, माना दो समांतर प्लेटें जेड बराबर जीरो एवं जेड बराबर डी, जेड बराबर जीरो एवं जेड बराबर डी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर एक्स वाई तल में स्थित है। ये एक्स वाई तल में है ना, एक्स और वाई में है। माना दो समांतर प्लेटें जेड बराबर जीरो एवं जेड बराबर डी ऊंचाई पर एक्स वाई तल में स्थित है, इन पर विभव के मान क्रमशः, इन पर विभव के मान क्रमशः वी वन एवं वी टू है, इन पर विभव के मान क्रमशः वी वन एवं वी टू है, और इनके हर एक पॉइंट पर, जैसे इसके हर एक पॉइंट पर वी वन है, इसके हर एक पॉइंट पर वी टू है, तो इसके सभी बिंदुओं पर क्या है, सभी पॉइंट्स पर वी वन ही है। इसका मतलब है कि ये समविभव पृष्ठ है, ये दोनों ये समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या है, समान है, पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल है। आप एक्स में इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं पर भी जाओ सेम है, समविभव पृष्ठ है। तो लिख लो ये दोनों प्लेटें समविभव पृष्ठ है, ये दोनों प्लेटें सम विभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है। ठीक है, इंग्लिश, और ये डायग्राम छाप लो, इंग्लिश में लिखो, लेट देर आर टू पैरेलल प्लेट्स, लेट देर आर टू पैरेलल प्लेट्स एट हाइट्स, लेट देर आर टू पैरेलल प्लेट्स एट हाइट्स जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू डी, एट हाइट्स जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू डी, एट हाइट्स जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू डी, जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू डी। ठीक है, हाइट समझ में आ गया कहां पर है, जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू डी। The value of potentials, the value of potential on these plates, the value of potential on these plates is V1 and V2, is V1 and V2. These are equipotential surfaces. These are equipotential surfaces. ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं अगर पॉइसन समीकरण लगा दूं, पॉइसन समीकरण से, पॉइसन समीकरण से बाय पॉइसन, पॉइसन इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, यही होता है, अरे यही है। ये डायग्राम भी छाप लेना। अब देखो इसका, इसका जो फॉर्म था, इसका इसका फॉर्म कैसा था, इसका रूप जो था वो ऐसा था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाय डेल जेड टू स्क्वायर, और ये विभव था तो विभव सबके साथ ऐसे आ रहा था। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, सम विभव पृष्ठ है, मतलब आप x में जाओगे इधर,
या वाई में, इधर वाई में जाओ या एक्स में जाओ, विभव का मान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मतलब एक्स और वाई पर विभव का मान डिपेंड ही नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल जेड पे। तो एक सेकेंड, एक्स और वाई पे विभव का मान, पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इन, इसको मैं, इसको सरफेस एस वन बोल देता हूं, इसको एस टू बोल देता हूं। तो एस वन एवं एस टू समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। एस वन एंड एस टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्या होगा, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ये वी, जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, केवल एक टर्म बचेगा। अतः क्या बचेगा, डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे चलता हूं। ये मिला, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मुझे कैलकुलेट करना है विभव और विद्युत क्षेत्र। विभव आ गया तो विद्युत क्षेत्र निकाल लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा अगर मेरे पास पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल यहां पर है, तो ये पर ये दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा, तो मैं एक बार काम करता हूं, इसका दो बार समाकलन कर देता हूं, तो अवकलन कैंसिल हो जाएगा, अवकलन कैंसिल हो जाएगा, वी बच जाएगा। तो दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर अगर इसका समाकलन करें तो एक बार अवकलन कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा डेल वी बाई डेल जेड, एक ही बार बच जाएगा। और इधर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक तरीके से, तो इधर होगा रो अपॉन एप्सिलॉन और इधर आ जाएगा जेड, ठीक है। प्लस ये कोई कांस्टेंट भी आएगा सी वन, ऐसा आएगा। चलिए ये आ गया, एक और बार करते हैं समाकलन ताकि वी बच जाए, पुनः समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग अगेन, इसको फिर से करें तो ये आ जाएगा, वी बच जाएगा, समाकलन करेंगे तो अवकलन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर समाकलन करेंगे तो रो अपॉन एप्सिलॉन, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू और इसका हो जाएगा सी वन जेड और एक और कांस्टेंट आ जाएगा सी टू। ये आ गया विभव, ये आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल आ तो गया लेकिन अभी सी वन सी टू दो कांस्टेंट मिल गए, तो इनके कांस्टेंट के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार पॉज करो, मैं टाइम देख लेता हूँ, 5-6 मिनट है तो हो जाएगा शायद। ये देखिए इसको छाप लेना, हम लोग बात करें सी वन और सी टू कैलकुलेट करना, तो सी वन और सी टू दो, मतलब जो जो ज्योमेट्री था उसी में बाउंड्री कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर विभव कितना है, वी वन, जेड बराबर जीरो हाइट पर ये प्लेट है और इस प्लेट पर विभव है वी वन, तो जेड बराबर जीरो पर विभव कितना आएगा वी वन, और जेड बराबर डी पर इस हाइट पर विभव कितना आएगा वी टू। तो ये दोनों कंडीशन लगा के हम लोग कर सकते हैं, देखो कैसे। सिंस एट जेड इक्वल टू जीरो वी कितना आएगा, विभव का वैल्यू वी वन आएगा, तो पुट करो एक बार, ये v का वैल्यू v1 आएगा कहां पर, z इक्वल टू जीरो पर। तो देखो क्या आया, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो v1 इक्वल टू c2 बचा, तो c2 का कांस्टेंट का वैल्यू आ गया v1, एक कांस्टेंट तो मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर लिख लेता हूं 1, इसको कर देता हूं 2। पहले इक्वेशन नंबर लिखा होगा शायद मैंने कहीं पर, नहीं लिखा, कहीं पर नहीं लिखा, इसको टू कर दे, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू यह है वी इक्वल टू माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस जेड वन सी वन जेड वन सी वन जेड प्लस यह आ गया इसका वैल्यू किसका वी वन आ गया इसका, ये मिल गया। एक कांस्टेंट का तो वैल्यू मिल गया, दूसरा कांस्टेंट देखते अभी, ये पॉज करके कॉपी कर लेना। दूसरा कांस्टेंट है दूसरी प्लेट पे,
एट जेड इक्वल टू डी पर है दूसरी प्लेट, वहां पे विभव का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू वी टू है वहां पे, तो रखो जेड का वैल्यू डी रख दो और वी का वैल्यू वी टू रख दो, तो वी का वैल्यू रखो वी टू और जेड का वैल्यू कितना है डी, तो डी जेड का डी रखेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सी वन इंटू डी प्लस वी वन। या अब देखिए v2, उस v1 को इधर ले आता हूँ, v1 और इसको भी इधर ले आता हूँ प्लस रो डी स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन इक्वल टू सी वन डी, ऐसा बचा। तो देखो c1 का वैल्यू क्या आया, c1 आया v2 माइनस v1, d से डिवाइड कर दो इसको d, प्लस इसको भी d से डिवाइड हो गया तो रो डी अपॉन टू एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर थ्री। सी वन सी टू का वैल्यू तो पहले रख दिया था मैंने, सी वन का और रख दो इसके अंदर, इसको कर दो इक्वेशन नंबर थ्री कर दो एक बार, इसको कर दो फोर, ये इक्वेशन नंबर फोर। तो ये सी वन का वैल्यू इसमें पुट कर दो, फाइनली पोटेंशियल विभव का मान मिल जाएगा। तो भाई इक्वेशन थ्री एंड फोर, समीकरण तीन एवं चार से देखो v इक्वल टू माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सी वन, सी वन का वैल्यू आएगा v2 माइनस v1 by d प्लस रो d अपॉन टू एप्सिलॉन, ये c1 का वैल्यू आ गया और c1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, z से, z प्लस v1 आ जाएगा, ये मिला। पोज करके कॉपी कर लेना इसको, आगे चलते हैं। इसमें देख लो कुछ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, v इक्वल टू माइनस रो z स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, पहला टर्म तो ये मिल गया, दूसरा z का टर्म है ये, तो z के टर्म को ऐसे रख सकते हैं अगर चाहे तो, v1 को भी अलग कर सकते हैं चाहे तो, बाकी ऐसा जैसा आया है वैसा भी रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को मिल गया पोटेंशियल विभव मिल गया। जैसे मान लो आपको किसी भी हाइट पर उन दो प्लेटों के बीच में विभव कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जेड का वैल्यू पता होगा कि कितनी ऊंचाई पे कितनी हाइट पे कैलकुलेट करना, तो यहाँ से मिल जाएगा, कर लोगे। चलो ठीक है, हो गया ये पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेट करना है, तो दो मिनट बचे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल देते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वेक्टर वी होता है, ठीक है, और ये ऐसा है कि माइनस आयोटा डेल बाय डेल एक्स और वी प्लस जे डेल वी बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल वी बाय डेल जेड, ऐसे आता है। अब देखो इस v का डिफरेंशिएशन करो, v का अवकलन करेंगे, लेकिन v में देखो z ही है केवल, x और y कहीं पर है क्या, इसमें x y कहीं पे नहीं है, इसका मतलब जब v का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर z के रिस्पेक्ट में। अब x और y तो कहीं पे है ही नहीं, तो x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो रहेगा, केवल z वाला बचेगा, तो ऐसा आएगा केवल ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये जीरो हो जाएगा, जीरो केवल ये बचेगा माइनस के कैप डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है, अवकलन करो इसका, इसका इसको इक्वेशन नंबर लिख दो कुछ, इक्वेशन नंबर फाइव कर देता हूँ, इसको पाँच का अवकलन कर रहे हैं, समीकरण पाँच का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फाइव, अवकलन करो इसका, इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, e वेक्टर इक्वल टू माइनस के कैप तो बाहर रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा 2z, है ना, 2z बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस रो z अपॉन एप्सिलॉन, अरे 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसमें इसमें z हट जाएगा, तो इसमें आएगा v2 माइनस v1 अपॉन d प्लस रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन।